अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हज़रात की खिदमत में ख्वाब में बीवी से या माँ बहन से या इसी तरीके पर किसी रिश्तेदार से या किसी अजनबी औरत से हम बिस्तरी करने की क्या ताबीर होती है यह आपकी खिदमत में हम बयान करने वाले हैं। चुनाचे पहला ख्वाब है, ख्वाब में किसी रिश्तेदार जानने पहचानने वाली औरत से हम बिस्तरी करने का क्या मतलब और क्या ताबीर होती है। अगर कोई शख्स किसी अपनी जान पहचान वाली रिश्तेदार औरत से हम बिस्तरी करे ख्वाब में करते हुए देखे तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला इज्जत और दौलत पाएगा और इसी तरीके पर ज़िंदगी में उसको ऐश और आराम हासिल होगा। बज़ाहिर ये ख्वाब बुरा है लेकिन ख्वाब की ज़िंदगी अलग है, ख्वाब के मामलात रियल ज़िंदगी से अलग होते हैं, ताबीर इस ख्वाब की अच्छी है। दूसरा ख्वाब है, ख्वाब में बीवी से हम बिस्तरी करना। अगर कोई शख्स देखे कि उसने अपनी शरीक हयात बीवी से हम बिस्तरी की है ख्वाब में तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले की बीवी उसकी फर्माबरदार इताअत शियार होगी और उसके सामने दिली राज जाहिर करेगा ये ख्वाब देखने वाला, यानी अपने राज व नियाज की बातें ये ख्वाब देखने वाला अपनी बीवी से शेयर करेगा, ये भी अच्छा ख्वाब है। तीसरा ख्वाब है, किसी कवारी औरत से हम बिस्तरी करना। गैर शादीशुदा औरत से अगर कोई हम बिस्तरी करते हुए अपने आप को देखे तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले की दिली और जायज़ तमन्ना पूरी होगी और इसको कोई, अगर ये गैर शादीशुदा है, पाकीज़ात और इफ़त वाली औरत इसके निकाह में आएगी और अगर ये शादीशुदा है तो फिर इसको माली या जानी किसी भी तरीके का कोई फ़ायदा हासिल होगा। चौथा ख्वाब है, किसी अजनबी औरत से हम बिस्तरी करना, जिसको जानता और पहचानता ही नहीं, जिससे कभी वास्ता ही नहीं पड़ा ज़िंदगी में, अगर ऐसी औरत से अपने आप को ख्वाब में हम बिस्तरी करते हुए देखे तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले को सुकून, अगर इस हम बिस्तरी के ज़रिए से सुकून हासिल हुआ है और उसको खुशी महसूस हुई है तो इसको माली एतबार से फ़ायदा होगा और अगर इस हम बिस्तरी के नतीजे में ख्वाब देखने वाले को सुकून और राहत नहीं मिली है तो फिर ये ख्वाब देखने वाला बेइज्जत और जलील होगा। पांचवा ख्वाब है, हिजड़ों से हम बिस्तरी करना। ख्वाजा सरा से हम बिस्तरी करते हुए अगर अपने आप को कोई देखे तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला गंदे और शर्री और बुरे लोगों के साथ इसका उठना बैठना और मेल जोल है और इस ख्वाब में उसी जानिब इशारा है और बुरे लोगों की साथ सोहबत इख्तियार करने से और उनके साथ उठने बैठने की वजह से इसके बहकने और गुमराह हो जाने की भी जानिब इशारा है। इसलिए अगर कोई इस तरीके का ख्वाब देखे तो अपनी सोहबत को चेंज कर ले, यानी अच्छे लोगों के पास उठा बैठा करे, नेक लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को बनाए, ये इस ख्वाब की ताबीर और पैगाम है। अगला ख्वाब है, ख्वाब में अपनी माँ या बहन से हम बिस्तरी करते हुए देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपनी माँ या बहन से हम बिस्तरी करे तो बज़ाहिर ये ख्वाब बड़ी टेंशन में डालने वाला है अगर कोई इस तरीके का मर्द ख्वाब देखे, लेकिन मुआब्बिरीन ने, ताबीर बयान करने वालों ने इसकी ताबीर बहुत अच्छी बयान की है और उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले के साथ उसकी माँ और बहन, जिसके साथ उसने आपको हम बिस्तरी करते हुए देखा है, वो इसके साथ हुस्न सलूक करेगी, सिला रहमी का मुजाहरा करेगी, यानी इसकी परेशानियों में, इसके गम में इसके साथ शरीक होगी, परेशानियों में हाथ बटाएगी। कितनी बेहतरीन ताबीर है।
दोस्तों ये हमने आप हजरात की खिदमत में हम बिस्तरी से मुतालिक 6 ख्वाबों की मुख्तलिफ ताबीरें पेश की हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं की दरख्वास्त है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। आप अगर अपने किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो हमारी किसी भी वीडियो की कमेंट सेक्शन में अपना ख्वाब लिखते हुए नाम बताएं, फिर फ्राइडे का वेट करें। इंशाअल्लाह फ्राइडे की वीडियो में आपके ख्वाब की ताबीर ज़रूर बयान की जाएगी। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।